हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम हियर टू डिस्कस द जीके क्वेश्चंस, फेमस स्टोरीज. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 में जो ग्रीट इन स्पैनिश लैंग्वेज दिया है, ये आप रीड करोगे, ठीक है? और सॉरी, जो पेज नंबर 23 में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए, स्टोरीज लिखने को दिया है, ये आप लोग आज एक्सरसाइज फिल करोगे. ओके, गिवन बिलो आर द प्लॉट्स ऑफ सम स्टोरीज, फेमस स्टोरीज, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक गिवन बिलो. तो ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर स्टोरीज दी हुई है. आइए देखते हैं. फर्स्ट, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टॉल कैट दैट वियर अ रेड एंड व्हाइट हैट and a red bow. The cat shows up at the house of Sally where her mother was away. The cat teaches Sally and her brother how to have fun while the fish at Sally's home does not like the cat presence. So answer is the cat in the hat. Story ka kya naam hai? The cat in the hat. सेकेंड है, दिस नॉवेल इज अबाउट द लाइफ ऑफ यंग विजार्ड्स हैरी पॉटर एंड हिज फ्रेंड हेरमोनी ग्रेजर एंड रॉन वेस्ली, ऑल ऑफ हूम आर स्टूडेंट्स ऑफ हॉगवर्ट्स स्कूल्स ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्ड्री. द पेरेंट्स ऑफ हैरी पॉटर वॉज किल्ड बाय वोल्डेमॉर्ट. क्या होगा स्टोरी का नाम? हैरी पॉटर. ये बहुत ही फेमस नॉवेल है इंग्लिश, हैरी पॉटर. नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टोरी आर एनिमल सच एज टाइगर शेर खान एंड बियर बलू. द थ्रू द मेन कैरेक्टर इज अ बॉय मोगली एंड हु इज रेज्ड इन द जंगल्स बाय वुल्फ, जिसको वुल्फ्स ने बड़ा किया था. द स्टोरी इज सेट इन अ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. द स्टोरी का क्या नाम है? द जंगल बुक. हो सकता है आप लोग ये स्टोरी देखे होंगे टेलीविजन में, कार्टून के रूप में आता है जिसमें मोगली, बगीरा, बलू रहते हैं. नेक्स्ट इज दिस स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन. वंस द फिश वॉज आस्क्ड टू शेयर हर कलरफुल स्केल but she refused, so the other fish in this ocean left her alone. Later she accept her fault and gave up her beautiful scales except one, the rainbow fish. Story ka kya naam hai? The rainbow fish. Next is this is a story of an apple tree and a boy. They developed a relationship between one another. The tree was very kind and giving. This story shows the stage of human life and their needs and how nature gives us everything. The giving tree. Story ka kya naam hai? The giving tree. So students, this is the stories. फेमस स्टोरीज. आप लोग एक बार इसके सारे डिस्क्रिप्शन फिर से रीड करोगे. जितने भी डिस्क्रिप्शन मैंने अभी पढ़ा है और यहाँ आपके सामने अभी नोट डाउन किया है, इसके जो स्टोरी का नाम है, आप लोग पढ़िएगा और इसको फिल करिएगा. और साथ में ही जो ये मैंने बताया, ग्रीट्स इन स्पैनिश, होला, हेलो, ब्यूनोस डियाइस, गुड मॉर्निंग, ब्यूनो नोचिस, गुड इवनिंग, ब्यूनास नोचेस, गुड नाइट, डिया एक्रोडो, ओके, ग्रेशियस, थैंक्स, पाड्रे फादर, मैड्रे मदर, हरमानो ब्रदर, हरमाना सिस्टर. अप्रोक्सीमेटली एवरी वर्ड इन स्पैनिश लैंग्वेज हैज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. टू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स यू कैन यूज इंटरनेट. सो हम लोग इंटरनेट की हेल्प से इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सीख सकते हैं. और
वो सेकेंडली आपको ये स्टोरी जो पेज नंबर 23 में दिया हुआ है, आपको इसको पूरा स्टोरी डिस्क्रिप्शन इसका पूरा पढ़ना है कि इसकी स्टोरी में लिखा क्या है, और आपको इसको अपने बुक के पेज नंबर 23 में आज का डेट डाल के नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ के भी सुनाया है, और इसके बाद जो रिवीजन कराया है वो भी रिवीजन आप लोग इम्पॉर्टेंट करिएगा। जितने भी रिवीजन हो रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेकेंड पीरियोडिकल टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड ट्राई टू वॉच द वीडियो एंड कम्प्लीट इट टूडे इटसेल्फ ऑन द सेम डेट। आप लोग अगर करोगे तो ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है, और जितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा, आपका वर्क पूरा रहेगा और आपका स्कूल भी ओपन होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो वर्क हार्ड एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल, एंड दिस इज वंस। एक बार और हम लोग देखते हैं स्टोरी के नाम, द कैट इन द हैट, हैरी पॉटर, द जंगल बुक, द रेनबो फिश, द रेनबो फिश एंड फोर्थ वन इज द गिविंग ट्री। सो ये आप लोग आज के डेट में नोट डाउन कर लेंगे, ओके, और इसके सारे डिस्क्रिप्शंस आप लोग रीड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन। वंस द फिश वॉज आस्क्ड टू शेयर द कलरफुल स्केल बट शी रिफ्यूज्ड, सो द अदर फिशेस ऑफ ओशियन लेफ्ट हर अलोन। सो तो क्या हुआ था, दूसरे सारे फिश इसको उसी ओशियन में छोड़ के चले गए थे, एंड लेटर शी एक्सेप्टेड हर फॉल्ट, और वो अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करी एंड गेव अप हर ब्यूटिफुल स्केल्स एक्सेप्ट वन, और अपने ब्यूटिफुल स्केल दे दिया। तो ये है स्टोरी का क्या नाम है, द रेनबो फिश। ओके, इस तरह से आप लोग रीड जरूर करिएगा और कंप्लीट करिएगा बुक का पेज नंबर 23।